बहुत सारे लोगों को लगता है कि मारुति सुजुकी एक इंडियन कंपनी है, जबकि ऐसा है नहीं। 1971 में पहली बार भारत सरकार ने सोचा कि जर्मनी की तर्ज पर इंडिया में भी पीपल्स कार बनाई जाए। उसके लिए मारुति लिमिटेड नामक एक कंपनी की स्थापना की गई। लेकिन जब कुछ नहीं हो पाया तो 1982 में मारुति ने सुजुकी, जो कि जापान की कॉरपोरेशन है, उसके साथ जॉइंट वेंचर किया और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड बनी। पहली कार 1983 में लॉन्च हुई, मारुति 800। और आज आप जिस मारुति सुजुकी को जानते हैं वो जापान की सुजुकी कॉरपोरेशन द्वारा ओन्ड है। उसके 56% से ज्यादा स्टेक्स हैं और आज उसने मार्केट में 50% से ज्यादा शेयर ऑक्यूपाई कर रखा है।